नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्पार्क। स्पार्क लाइन के बारे में। स्पार्क लाइन एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसका यूज कंपनीज अपने डेटा को किसी एक सेल के अंदर पाई चार्ट के माध्यम से समझाने के लिए यूज करती है। जिस तरह से MIS रिपोर्ट तैयार की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहें तो अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। पाई चार्ट के बारे में आपको तो पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने पाई चार्ट के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं आज स्पार्क लाइन के बारे में, स्पार्क लाइन का यूज क्या होता है और स्पार्क लाइन को किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम लिए हुए हैं और जनवरी से लेकर के जुलाई तक के मंथ की हमने सेल्स ली हुई है। और इस सेल्स के अंदर आप देखेंगे अलग अलग डेटाबेस है, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग सेल्स की है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जनवरी का पूरा डेटाबेस लिया हुआ है जिसके माध्यम से आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर यहाँ पर एक पाई चार्ट तैयार है। इस सेल के अंदर जिस तरीके से भी हम कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया 56,000 और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पाई चार्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये बेसिकली हर एक सेल का अलग अलग पाई चार्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस हिसाब से हम डेटा को यहाँ पर चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर पाई चार्ट चेंज होता चला जाएगा। जिस तरीके से पाई चार्ट चेंज होता है उसी तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, उनका और जुलाई का डेटाबेस तैयार किया हुआ है। इस स्पार्क लाइन के अंदर आप देखेंगे जो भी डेटाबेस हमारा जनवरी से लेकर के जुलाई तक के बीच में जितनी भी सेल्स हुई है, यानी अमन ने जितनी भी सेल्स हुई है, उसका जो रेशियो है देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से यानी कॉलम स्पार्क लाइन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी हिसाब से डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे लॉस स्पार्क लाइन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप से आप इसे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप इसकी कंडीशन सेट करते हैं, जैसा आप चाहें कलर्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए आप देखेंगे शीट 2 पर हमने एक ब्लैंक डेटाबेस आपके लिए लिया हुआ है, आपको समझाने के लिए कि आप स्पार्क लाइन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जनवरी का डेटा देखते हैं कि जनवरी की स्पार्क लाइन किस तरीके से हमने ऊपर की तरफ जो क्रिएट की थी वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जनवरी के ऊपर क्लिक करना है, यानी यहाँ पर आपको अपने सेल की हाइट को इंक्रीज कर लेना है और इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा कॉलम स्पार्क लाइन का। इस कॉलम स्पार्क लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा रेंज आपसे मांग रहा है। तो डेटा रेंज हमारी है कौन सी, तो हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारा ये है, तो हम पूरे डेटा की रेंज यहाँ से ले लेंगे और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपका जो पाई चार्ट था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल दिए हुए हैं, इस स्टाइल में आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है वो स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा मार्कर कलर का, तो मार्कर कलर पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए हाई पॉइंट पर आप क्या कलर देना चाहते हैं, तो हाई पॉइंट पर मान लीजिए हम देना चाहते हैं ब्लैक कलर। और इसके बाद इसके ऊपर ही एक ऑप्शन है लो पॉइंट का, तो लो पॉइंट के अंदर हम देना चाहते हैं रेड कलर। और इसके बाद हमने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पाई चार्ट को सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हाई पॉइंट और लो पॉइंट, जब भी आप इस पर टिक करेंगे तो आपका ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो लो पॉइंट में आप देखेंगे बहुत ही कम है, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा लो पॉइंट यहाँ रेड कलर में शो हो रहा है। अगर यहाँ पर हम किसी डेटा को लो पॉइंट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 टाइप कर दिया और 3 टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे उसका लो पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। उसी हिसाब से अपने लो पॉइंट को, हाई पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं, उसके कलर्स को मैनेज कर सकते हैं और स्पार्क लाइन को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप राइट की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल आर जैसी प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका जो पाई चार्ट था वो यहाँ पर फुलफिल हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पार्क लाइन की, स्पार्क लाइन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पार्क लाइन के लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले स्पार्क लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लाइन का एक ऑप्शन है, यानी लाइन चार्ट आपको बता रहा है। तो लाइन के थ्रू आप किस तरीके से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से सामने वाली पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने बॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस लाइन वाले ऑप्शन पर। लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेटा की रेंज लेनी है, तो डेटा की हम लोग यहाँ से रेंज ले लेते हैं। रेंज लेने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर लाइन चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको आपके सामने थीम दी गई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साइज को अगर आप इंक्रीज करना चाहें, यानी इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें,
तो इसको बोल्ड करने के लिए आपको जाना है स्पार्कलाइन कलर पे। स्पार्कलाइन कलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी विथ का ऑप्शन आ गया। इस विथ वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है वो लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो स्पार्क लाइन था वो बोल्ड हो चुका है। और इसके बाद इसकी लाइन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग, ये ज्यादा बोल्ड लग रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मार्कर का ऑप्शन है। जैसे आप मार्कर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और इन पॉइंट्स के कलर को अगर आप यहाँ से मैनेज करना चाहते हैं, यानी मार्कर में जाकर के हाई पॉइंट या लो पॉइंट के कलर को मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप लो पॉइंट या हाई पॉइंट के कलर को मैनेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं हाई पॉइंट के लिए, और इसके बाद हम लो पॉइंट के लिए यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक। ब्लैक लेने के बाद हम यहाँ पर सिंपली ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लो पॉइंट और हाई पॉइंट को मैनेज करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट को भी मैनेज कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट को भी मैनेज कर सकते हैं, और नेगेटिव पॉइंट को भी आप यहाँ पे इजिली मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, साथ के साथ यहाँ से आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पार्क लाइन, आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो सिंपली आप डेटा को यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करिए और कंट्रोल डी दबा दीजिए। कंट्रोल डी दबाते ही आप देखेंगे आपकी जो स्पार्क लाइन थी वो यहाँ पर इजिली मैनेज हो चुकी है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलम स्पार्क लाइन की। कॉलम स्पार्क लाइन आपका किस लिए यूज किया जाता है, तो कॉलम में मैंने आपको बता दिया सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर कॉलम का यूज किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर कॉलम के अंदर एक स्पार्क लाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक छोटा सा चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के सेल्स के डेटा के लिए। तो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ कॉलम स्पार्क लाइन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कॉलम स्पार्क लाइन का एक ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने डेटा की रेंज ले लेनी है। रेंज लेने के बाद सिंपली आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका कॉलम स्पार्क लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको नीचे की तरफ आपको ट्रैक करना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी प्रेस करते ही आपका डेटा यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए हाई पॉइंट को यहाँ पर दे दिया रेड कलर, और इसके बाद अगर लो पॉइंट को मुझे मैनेज करना है तो लो पॉइंट को मैं दे देता हूँ मान लीजिए ब्लैक कलर, और इसके बाद मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो ब्लैक कलर में जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमारा लो पॉइंट है, और रेड कलर में जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमारा हाई पॉइंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कलर्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग बात करेंगे विंड लॉस स्पार्क लाइन का। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, सिंपली आपको सेल पर क्लिक करना है उसी तरीके से, और इस वाले स्पार्क लाइन पर क्लिक करना है, और अपने डेटा की उसी तरीके से एज इट इज रेंज ले लेनी है, और सिंपली ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ से आप सेम उसी तरीके से डेटा को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, और इसके बाद इसको सिंपली आप नीचे तक ला करके और कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करते ही आप देखेंगे आपकी यहाँ पर जो स्पार्क लाइन थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है, और इसको भी आप अपने हिसाब से कलर्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसको आपको सेलेक्ट करके रखना होगा, स्पार्क लाइन टूल पर जाना होगा, और यहाँ से आपको जाना होगा मार्कर कलर पे। यहाँ पर हाई पॉइंट को मैनेज करने के लिए मान लीजिए हम लोग रेड को लेते हैं, ये हाई पॉइंट है हमारा, और अगर हमें लो पॉइंट को मैनेज करना है तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए ग्रीन कलर ले लिया हमने लो पॉइंट, और उस तरीके से आप अपने स्पार्क लाइन को मैनेज कर सकते हैं हाई पॉइंट लो पॉइंट के हिसाब से। और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप फर्स्ट पॉइंट मैनेज करना चाहते हैं, लास्ट पॉइंट मैनेज करना चाहते हैं, नेगेटिव पॉइंट मैनेज करना चाहते हैं, तो उसका कलर भी आप यहाँ पर इजिली अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा स्पार्क लाइन का चैप्टर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।